आपसे कुछ ही समय पहले हमने नवरात्रों को अलविदा कहा है। ऐसे में आप में से कई लोगों ने फास्टिंग भी की होगी। अब बात हो रही हो फास्टिंग की, तो भला हम राजगिरा के आटे को कैसे भूल सकते हैं। राजगिरा का आटा, जिसे अंग्रेजी में एमेरंथ फ्लोर के नाम से जाना जाता है, ये दिखने में कुछ इस प्रकार का लगता है। इससे बनने वाले डिशेस जैसे कि व्रत में अलग अलग तरीके के पराठे, चिक्की, टेस्ट में जितने लाजवाब होते हैं उससे भी ज़्यादा खुशी आपको इसके क्वालिटीज़ यानी कि न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ को जानकर होगी। और ना केवल फास्ट के दौरान बल्कि आप इसे अपनी डेली लाइफ में भी शामिल करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। इसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और ये हम सभी जानते हैं कि ना सिर्फ हमारे मसल्स बल्कि हमारे नाखून, बाल, स्किन सब तो प्रोटीन से बने हुए हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं आपके शरीर के लिए। अंदाजन आधे कप राजगिरा सीड्स में लगभग 14 ग्राम्स प्रोटीन होते हैं। इतना प्रोटीन आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता और आपके वेट मैनेजमेंट में भी काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बढ़ती उम्र के साथ ही हड्डियों से संबंधित बीमारियां हमें हर घर में देखने को मिलती हैं। हमने काफ़ी बार ये भी सुना है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी की कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाती हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि राजगिरा का आटा कैल्शियम से भरपूर है। अगर आप इसका एक कप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी बॉडी की पूरे दिन की कैल्शियम रिक्वायरमेंट को 50% तो यही पूरा कर देता है। आज के समय में हम और आप काफी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, जिसके कारण हर खाने की चीज में हम चाहते हैं कि फाइबर कंटेंट भी काफी ज्यादा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि फाइबर से मिलने वाले फायदों से भी हम वाकिफ हैं। फाइबर की मात्रा ज्यादा होने पर जो हमारी बॉडी में एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है उसके साथ ये फाइबर बाइंड कर लेते हैं और इसे बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल का लेवल बैलेंस हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं तो ये आर्टरीज की दीवारों में इकट्ठी होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आर्टरीज की दीवारें पतली हो जाती हैं और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। फाइबर से मिलने वाले दूसरे फायदे की अगर हम बात करें तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी काफी मददगार साबित हो सकता है। जी हाँ, इससे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो खाना होता है वो काफ़ी आसानी से पास हो जाता है और इससे कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और अल्सर जैसी परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या इंजरी होने के कारण उस जगह पर सूजन आ जाती है, पर अगर ये सूजन काफ़ी ज़्यादा दिनों तक रहता है तो ये कई अन्य घातक बीमारियों का रूप भी ले सकते हैं, जिसके कारण अलग अलग तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। काफी सारे स्टडीज में ये देखा गया है कि राजगिरा यानी एमरंथ में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो कि सूजन को कम करने में मदद करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई के प्रोडक्शन को रोकता है, जिनके कारण हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। जौ और गेहूं जैसे अनाज में एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे ग्लूटेन कहा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई लोग आटे या जौ से बनी रोटियां खा नहीं पाते क्योंकि उनका शरीर इनमें मौजूद ग्लूटेन प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है और सूजन जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस डिजीज को सेलिएक डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम आम तौर पर ग्लूटेन इंटॉलरेंस कहते हैं। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, राजगिरा में ग्लूटेन मौजूद नहीं होता, जिसके कारण
ग्लूटेन इंटॉलरेंट लोग भी इसे आसानी से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और इसके सभी न्यूट्रिशन के बेनिफिट्स उठा सकते हैं बेझिझक। क्या आप जानते हैं कि आपके झड़ते बालों का भी सॉल्यूशन इस राजगिरा आटे के पास है? आइए जानते हैं कैसे। बालों का झड़ना, सफेद बाल होना या फिर गंजेपन की शिकायत तभी होती है जब हमारी डाइट में लाइसीन और जिंक की कमी होती है। राजगिरा में लाइसीन नाम का एक ऐसा एमिनो एसिड मौजूद होता है जिसे हमारा शरीर बना नहीं पाता। इसके कारण आपको बालों से जुड़ी समस्या से भी छुटकारा आसानी से मिल सकता है। अब अगर आप इतने सारे फायदे सुनने के बाद ये सोच रहे हैं कि आखिर इसे किस तरह अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसके अलग अलग डिशेस बनाकर खा सकते हैं। जैसे कि पहली डिश की अगर हम बात करें तो वो है बनाना एंड राजगिरा रोटी। दूसरा, केवल राजगिरा के आटे का पराठा बनाकर भी आप खा सकते हैं। तीसरा, आप ज्वार के आटे और राजगिरा के आटे को मिक्स करके उसकी ब्रेड बनाकर भी खा सकते हैं और इसे रोटी के तौर पर भी आप खा सकते हैं। इसकी आप चिक्की भी खा सकते हैं और अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में खाना चाहते हैं तो इसमें आप पनीर की स्टफिंग करके भी इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो फिर अब देर किस बात की है? इतने सारे फायदे सुनने के बाद आप इसे अपनी डाइट में शामिल करके तो जरूर देखना चाहेंगे। अपने शरीर के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहां आप रह सकते हैं। आज हमने केवल राजगिरा के आटे की बात कही, लेकिन मार्केट में ऐसे कई सारे फूड आइटम्स हैं, ऐसे कई सारे सीरियल्स हैं जिसको अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी के कारण होने वाली कई बीमारियों से आप खुद को बचा सकते हैं। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कभी फूड कभी फैट्स के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।